नमस्कार आमर ये स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करछी मु स्वस्तिका मु ज्योति प्रकाश जेते बेले दक्षतार कथा आसे दक्षता विकास रो कथा आसे सेते बेले केवल विकास कले दक्ष कले हबनी सेमानक पई सुजोग सृष्टि करबारे आवश्यकता अछि ये अनेक समय रे आमे आलोचना करू से क्षेत्र रे ओडिसा माटी रे जो कुशली कारीगर अछंती जो माने दक्ष युवक युवती अछंती सेमानक पई आमे कोन सुजोग कोन संभावना सृष्टि करि परछु निश्चित भाव रे स्वस्तिका से गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आमे आलोचना करबा दक्षता दौड़ सुजोग एवं संभावना ए तमाम संक्रांत आम सहित तमाम अतिथि सामिल होती अतिथि मानकर परिचय करदेवाई चाहिए आम सहित एमएसएमई विभाग मंत्री गोकुलानंद मल्लिक अच्छा देवाशी षडंगी आम सहित सामिल होती आईटी एक्सपर्ट अच्छा प्रियदर्शनी मैडम आम सहित अच्छा उद्योगपति आम सहित सामिल होती तपन पंडा सार आम सहित सामिल होती पॉलिसी मेकर आम सहित अच्छा राजनारायण त्रिपाठी सार चार्टर्ड अकाउंटेंट आम सहित सामिल होती अनुराधा महंती निर्देशिका अच्छा एएसएमआई दक्षता अनुष्ठान एवं सहित आम सहित मेन्टर अच्छा जो माने प्रतिजोगी जो माने फ्रांस रो लियोन शहर को जाइले अनेक अनुभव अनुभूति साउटी एवं आलोचना को आगो को बढ़ेबा प्रथम मंत्री ठारु आलोचना आरंभ करने चाहिए गोकुलानंद बाबू जे आमे अनेक आलोचना करूचे किंतु कथा आसुची जे प्रकृति रे ओडिसा रे सेभली किछि प्लेटफॉर्म अछि कि ओडिसा रो दक्षता को आगो को नबा पाई विश्व दरबार रे परिचित करबा पाई सेमती सुजोग आउ संभावना ओडिसा रे अछि कि निश्चित भाव समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ आपण जो कथा पचारे ओडिशा रो समस्त प्रकार सुजोग रही जोटा कहवा कि सुवर्ण सुजोग रही कहीं ओडिशा रे रही प्राकृतिक संपद रही बेलाभूमि रही रही समस्त प्रकार भरपूर माने दक्षता भी कारीगरी रही केवल आम जदि दक्षता कहवा जे इंडस्ट्री क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में आम जदि दक्षता कह मो हिसाब से घास काटतु कि घोड़ा चढ़ु जोठे भी आम एक नंबर हेबाको पड़िबो एवं ताकु करिबा पई सरकार तरफ समस्त प्रकार वर्तमान सुजोग रही सुजोग सृष्टि करिबा पई कोन कोन आपण भाबी छन कोन दरकार प्रकृतरे हां आमो पखरे वर्तमान जो सुजोग आमे स्टार्टअप ओडिसा रखीचे स्टार्टअप ओडिसा रे बजेट मध्ये करूचे विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान रे ग्रामांचल रे शिक्षा देबार व्यवस्था तालीम देबार मध्ये व्यवस्था वर्तमान आमे करूचे विभिन्न आज कॉलेज को जिबे जेठी देखिबे स्टार्टअप कथा कहले सर जेतेबेले पूर्व सरकार अमल रे ये दक्षता विकास प्राधिकरण होइतिला सेतेबेले कॉलेज आउ यूनिवर्सिटी लेवल रे छात्र छात्री मानंकु मीट आवर स्टार्टअप हीरोज ये गोटे कार्यक्रम आरंभ करागला किंतु आजिर समय भितरे बा वर्तमान पर्यंत आमे केते उद्योगी को आरंभ कर केते उद्योगी को पाई पालु को माने फ्रंट स्टेट को आसिले सेने कोनसी तथ्य हम पाखरे अछि कि जे आमे विगत 2016 रु 2024 भितरे एतिकी उद्योगी सृष्टि करि पालु देखंतु वर्तमान नुआ सरकार वर्तमान आमे चिंता करूचु जो माने ओडिसा रो दक्षता रहिचंती पिला माने रहिचंती युवक युवती माने रहिचंती तांकु सुजोग देबा पाई एवं देखंतु केवल जो गत दिन रे तळे दिन रे कोन होतला केवल पॉलिसी तयार कराउतला किंतु को इंप्लीमेंट करा जाउ नथला ठीक भाबरे किंतु आमे वर्तमान जो कथा कहूचु से कथा करिवो जे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास समस्तंकर सहयोगिता रे समस्तंकर सहभागिता रे आपण आगु बढे तपन सर आपण पाको बढे ओके सर फेरि आपण आपण आगुटे कथा कहिबे जे दक्षता पई मु समस्तटे युवक युवती माने बसिचंती जे ग्रामांचल रे विभिन्न सुजोग रे जे केवल छिया नुआ आज जे देखिबा गोपालन पशु संपद मत्स्य चास एही दिगर मध्य विभिन्न एक्सपर्ट माने आमर ट्रेनिंग दउचो विभिन्न कथा ग्रामांचल रे वर्तमान युवक युवती माने किपरि उद्योग हे पाइबो अर्थनीतिक क्षेत्र परवर्ती सर मध्ये आमे गोटे काम योजना बे गोटे तैयारी करछि गोटे जिंदी अम्ब्रेला रे 8टी बिंदु ऊपर आमे वर्तमान फोकस करूछु ता भीतर मध्ये आमर पिला माने युवक युवती माने तार फायदा मध्ये फायदा पाई परबे देवासी सर जतबेले ये योजना आरंभ हला 5 वर्ष रे आमे कहिलु जे 15 लाख युवक युवती अंतरजातीय मंच रे एक्सपोजर पाइबे से माने आगो को आसिबे 2022 पर्यंत हुए तो जो तथ्य आसीला से 6-7 लक्ष युवक युवती आगो को आसी निज को अंतर्जातीय मंच रे कि जातीय मंच रे रिप्रेजेंट कर पारिछंते 15 लक्ष रो लक्ष्य आम आज पर्यंत पूरण कर पारले आम रिक्वायरमेंट 15 लक्ष रु बहुत अधिक अच्छी फर्स्ट पॉइंट मुझे कथा तीन टा पॉइंट पर मुझे चाहूँगी फर्स्ट होची आमर जो टॉप डाउन अप्रोच होगा दरकार आम पाखे जदि भावंतु विभू महापात्र भाया डिजाइनर अच्छा से जो एफ टी आई रु पास करते एन एफ टी भुवनेश्वर आम ये अच्छी किंतु आम एस आई एफ टी अच्छी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सब डिस्ट्रिक्ट कहीं पार नहीं मानने जड़े वर्ल्ड स्किल सेंटर को नोडल हब करी
ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପୋକ୍ସ କରିପାରିବେ, ସ୍ପୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ହବ୍ ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆମର ଆଟ୍ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ଆମେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କେତେ ଦେଲେ, ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆଭେଲେବିଲିଟି କେତେ ଅଛି, ତା'ର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଲେଭେଲ କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କିଏ ସର୍ଟିଫାଏ କରୁଛି କି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଟାଇ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଆଇଟିଡିଏସ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚର କଥା। ତପନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦକ୍ଷତା ବଜାରରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକୃତରେ, ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏତେ ପ୍ରକାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବତାଉଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀଟା କେମିତି ଫର୍ମ ହେବ, ସେ ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କ'ଣ ଜଣାଇଛି ସେଇଟା କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ପ୍ରକାରର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ 40-50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଯାଇକି କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ସବସିଡ଼ି କେମିତି ପାଇବେ, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟିଂ କେମିତି କରିବେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ ବହିରେ ଏଇ ପାଠଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି କି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି, ଉଦ୍ୟୋଗ ଲାଇସେନ୍ସଟା କେମିତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଲାଇସେନ୍ସଟା ହୁଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତାକୁ ଜଣା ଅଛି କି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ 5-6-7 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜଣକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛେ କି କରିନେ, ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ କି ସେ କରିପାରିବେନି ବୋଲି। ପଶୁପାଳନ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷି ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି, 1,40,00,000 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ୱେୟାର ହାଉସିଂ ଫାସିଲିଟି କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧାଧିକ ପରିବାପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ୱେୟାର ହାଉସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ଗୋଟେ କୋଟି 40 ଲକ୍ଷରୁ 40 ଲକ୍ଷ ସବସିଡ଼ି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଡି କରିବା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଡି କରିବା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି କି? ପିଲାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ସମୟରେ ସେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ ହଉ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି କି? ଯେଉଁଭଳି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଡି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେ ଆମର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଲେଭୁଲରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରସିପ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ନିହାତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇଠୁ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ରୋବୋଟିକ୍ ଅପରେସନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ଖୋଲିବ ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେବ, ତା'ର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଖି ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୋଲାବୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହାତ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜିଟାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଭୋକେସନ୍, ଏତେ ପ୍ରକାର କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଆଇକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ, ଯେ ଆମେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍କିଲ୍ଡ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଜିର ସମୟରେ ସେତିକି ମେନ୍ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି କି? ଆମ ପାଖରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ତାଲିମ ଦେବେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର ସେପ୍ କରେ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ବିକଜ୍ ମେଣ୍ଟର ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ମିଳିବେନି, କେବେ ବି ସେ ପିଲା ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେବ, ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମାନେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବା କଥା ଆମରି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବାହାରୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡୋମେନ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ବାହାରୁ ଡାକୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଡାକୁଛୁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଡାକୁଛୁ। ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବି ଆମର ବହୁତ ଅଧିକା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେଣ୍ଟର ବି ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦ ଟ୍ରେନର୍ର ଯେଉଁ ଟିଓଟିର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ଟା, ଏଇଠି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ସାର୍, ଆପଣ ଆଣିବେ କି?
निश्चित भावना आनी नहीं आम वर्तमान प्रिय प्रधानमंत्री जो जुगांतकारी कथा कहे आत्मनिर्भर दक्षता विकास यही दिगरे वर्तमान आमर डबल इंजन सरकार पूरा प्रायोरीटी दूचे जे ग्रामांचल विभिन्न जोटा अंतर्निहित आम कह जोटा कि बणर फूल बणरे जमी मौली जाऊला सेमती विभिन्न क्षेत्र में ओडिशार युवक युवती मान युवपीढ़ी मान भितर दक्षता भरपूर रही रिएक्शन ना जो मैंने स्टूडेंट अच्छा जो मैंने जानापी चाहते अनेक आग्रह रही किसी रिएक्शन स्वस्तिका ना जो प्रकृत में ओडिशार सेमती किसी गोटे स्ट्रक् रही कि ये सेमती फैसिलिटीज रही कि दक्षता बढ़ेगा पिलांकर छात्र छात्री जो मैंने यहाँ कैरियर कर आगू बढ़ावा चेष्टा कर जय जगन्नाथ मो ना रोशन कुमार दास मुझर छात्र मुशनाल ऑटोनमस मोबाइल ओवर रिप्रेजेंट करी से मुझे सिल्वर मेडल पाई तो मो हिसाब से यहाँ को आहरी एर्ली एज्रु स्टार्ट करा दरकार कहीं आम जमी एज लिमिट रोज एति एज लिमिट बड़े आम ए पार्टिसपेट करना आ जो मैंने भी मेडल पाई ना कि जो मैंने से सेकेंड इयर थार्ड फेल से भी आज फर्दर ट्रेनिंग देवा कथ जो मैंने कि नेक्स्ट जेनेसन आज ट्रेन करेंगे इनफ्रास्ट्रक्चर अभाव रही आम पाखे प्रियदर्शनी मैडम जितेबले आम पाठ पढ़ु आम सांगसाथी जो मैंने स्किल विभिन्न क्षेत्र में किए सफ्टवेयर में किए अगर कौन सी क्षेत्र में दक्ष हेले किंतु को सुजोग मिललानी से माने इधर राज्य बाहर को गले नहले देश बाहर को गले आम हरेलु आम दक्षता को आम कहीं प्लाटफर्म तैयारी करि परुने जे आम पिला दक्षता हासिल कले दक्ष आम पाखे काम करेंगे से माने बाहर जाए अंतर्जातीय मंच में भारत पिला ओडिशार पिला कहीं काम करेंगे मु कहिबा को चाहिबी आमर जो दक्षता समस्त पाखरे आमर अच्छी किंतु से जो दक्षताटा आम पाखरे आम हासिल कर पुरातन दक्षता ता संगरे आमे जदि आधुनिक दक्षता को मिसेकी गोटे फ्यूजन टाइप रो तार डेवलपमेंट को आमे देखुचु तेबे से दक्षताटा को आमे जातीय स्तर रे अंतर्जातीय स्तर रे भी पहुंचे ही पारिबा दक्षता दौड़ रे सुजोग आ संभावना को ने आमे आज ये आलोचना करिचे ज्योति प्रकाश आम सहित अतिथि माने अछंती मंत्री अछंती एक्सपर्ट छात्र छात्री एवं जो माने चलित विश्व दक्षता प्रतियोगिता रे सामिल होइतिले अंशग्रहण करथिले से माने भी अछंते तपन बाबू आपण को थरु जानिबा पई चाहिबे जे ओडिसा स्किन कॉन्क्लेव 2023 जेउठी ओडिसा दक्षता विकास रो राजधानी हबो ये गोटे रोड मैप प्रस्तुत करागला किंतु सेही रोड मैप रे आमे आगो को बढुचु ना आमे दिगहरा हे सालुनी निश्चय भाव में सरकार बदलला पर नुआ पॉलिसी आणवे तेणु ये विषय तो गोटे इवेंट लोक मैंने आसबे फोटो उठेबे पीआर एक्सरसाइज हे दुई तीन टा प्रश्न या भितर रही जार उत्तर करिया पे कहबी प्रथम प्रश्नटा थिला जे प्राइवेट इक्विटी रे कथा पचार थिले आपण से समय रे तो ओडिसा रे प्राइवेट इक्विटी फंड्स अछि मु कहूछि जे जदि मंत्री सुजोग देबे लोक मानको से माने भुवनेश्वर एंजल्स एंजल इन्वेस्टिंग पई सबु सिटी रे थाए चेन्नई एंजल्स मुंबई एंजल्स भुवनेश्वर भी मुंबई भुवनेश्वर एंजल्स करा जाई परिबो जो माने अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स मानको एंजल इन्वेस्टमेंट कर परिबे प्राइवेट इक्विटी फंड अछि रिसेंटली गुटे 30 करोड़ फंड आईआईटी भुवनेश्वर को आसी फेरिकी भी जाऊँगी कहीं तार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने लोक ना भुवनेश्वर जो फंड फेरिकी जाऊँगी तेणु से ओडिशा रे प्राइवेट प्लेयर्स माने भी एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट करेंगे से डेफिनेटली गोटे भल जिन उत्कल चैंबर अफ कमर्स अच्छी ओडिशा भल भल बिजनेस मैन अच्छी तेनाली मंत्री चाहिए से डाकी आने की गोटे एंजेल फंड करेंगे से निश्चय भाव में सपोर्ट देते सक्सेस हाँपी बिजनेस आक्सेस टू कैपिटल आक्सेस टू स्किल आक्सेस टू मार्केट ये तीन टी जिन दरकार आक्सेस टू स्किल देवार दायित्व होती स्किल इनस्टिट्यूट्र आक्सेस टू कैपिटल देवार दायित्व होती आइदर बैंक ना प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और एंजल इन्वेस्टर मैं रहा आक्सेस टू मार्केट करने जो इनस्टिट्यूशन दरकार ओडिशा से इनस्टिट्यूशन अभाव अच्छी आपड़ प्रड्यूस करदेवे कि निजे ही बिके ग्लोबल स्तर को जापरें ये हूँ फर्स्ट जिन सेकेंड जिन आप पचारे ओडिशा जब स्किलटा डेवलप हो पार्चे तो आम कहीं ग्लोबल लेवल को जी कहीं कंपिटन में पार्टिसपेट करवा तार गोटे रिलेवेंट आंसर अच्छी रिलेवेंट आंसर हूँ कॉम्पिटिटिवनेस गोटे रोचे में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ओडिशा रे कॉम्पिटिटिव इंडिया रे कॉम्पिटिटिव ठीक अच्छे किंतु जेतो पर्यंत आपण ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हेना से समय आपण लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर परिवेनि तेणु ये कॉम्पिटिशन रे मूल लक्ष्य रोचे जे आम पिला माने जो स्किल नहीं चाहते ग्लोबल कॉम्पिटिटिव होचन नै मैं ग्लोब इज ओनली वन वर्ल्ड टुडे आउ कंट्री कंट्री भी तो किसी फरक नहीं कि ट्रांसनेशनल बिजनेस नहीं कि मल्टीनेशनल बिजनेस नहीं से ही सीनियर में प्राक्टिकाल होने कंपिटन में पार्टिसपेट करा दरकार कि जो समस्या टी आपड़ कही आगे जावाई कौन करा हम आगे जावाई आमको प्रथम जिनस रोचे सेक्टर आइडेंटिफाई करा पड़ा जमी एग्रीकल्चर कहे एनिमल हस्बेंड्री कहे
सेकेंड जिनस रहा क्लस्टर आइडेंटिफाई इनहेरेन्टली क्लस्टर कौन कौन रोचे नयगढ़ भल ड्राइवर पट्टामुंडाई में भल पाइप मिस्त्री ढेकाना भल लुगाबुणा मिस्त्री बरगड़ में भल लुगाबुणा मिस्त्री से क्लस्टर मानक आइडेंटिफाई करूँ ना से सेंटर बनातु गोटे जेनेशन को सेकेंड जेनेरेसन को नाप स्किल स्टूडेंट स्वस्तिका कहना चाहते रिएक्शन नाप चाहिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो ना प्रत्युष कुमार दलवेरा। मु इंडिया को रिप्रेजेंट करी ब्रिक लिंग जोटा कि कह गले पूरा फिजिकली वर्क आउ बहुत एक्सपीरियंस आउ नुआ नुआ फ्रेंड्स भी बनैली इंटरनेशनल जो थे मतलब बहुत खुशी लगुच। खाली मुझे ये मेडल पे आशा करी कि मो फ्रेंड्स आउ कल्चर आउ पूरा आडप्ट करने चेष्टा कली जो थे मुझे बहुत खुशी लगुच। आउ मु निजर 100% देती आउ निजी को बहुत खुशी लगुच। आवश्यक पड़ी भावुंत फैसिलिटी एति जे माने नेक्स्ट जी आसीबो माने नेक्स्ट जो वर्ल्ड स्किल्स हबर 2026 चाइना सांघाई रे ताकु जदि से एबे थारु ट्रेनिंग भलसे करबो पूरा फुल फोकस रहबो ताले से गोटे मेडल में आशा करि परबो। ए नै जे ताकु दि तीन मास रे ट्रेनिंग करिके ताकु ये कले से किछि आशा कर परबो। से फैसिलिटी पई आपण मंत्री को पाखरे अनुरोध करबे कि हाँ मुझे चाहूँ कि जिते जल्दी आम नुआ स्टूडेंट कि नुआ छात्र छात्री मानक आम एर आई लाइन रे ये कले से बहुत आगे जाए। नमस्कार, मो ना आद्य ओंकर। मुझे सेकेंड इयर छात्र तो मुझे कहवाक चाहिए कि आम जदि आम स्किल फोकस करा चाहते देन आमको आम करिकुलम काम करने पड़ो। मु इंजीनियरिंग परीक्षा फिल्ड में अच्छे और मो एक्सपीरियंस रु कौन कि जीक स्किल एमती नहीं कि मुझे स्किल शिखुनि मो स्किल शिखुची बट तासह आम करिकुलम एबे सेतिकी दक्ष हेइनी। आपण के प्रकार स्किल सिकुचंत कोन चाहुचंती? आज्ञा, मु वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन रे अछि आ मो स्किल को मु एआई रे एआई फील्ड रे एनहांस करिया को चाहुचे बट मु जेतबेले देखुचे जो प्रकार रिसर्च पेपर बा जो प्रकार रिसर्च फैसिलिटीज एमआईटी स्टैनफोर्ड परिका जगार मिलुचे मते सेटा इंडिया रो वन ऑफ द टॉप इंस्टिट्यूट्स रे भी अभाव मिल लागुचे सही जिनिस रो। प्रियदर्शनी मैडम, करिकुलम बेस्ड रही जाउचु आमे मार्क दरकार सर्टिफिकेट रे भलो ग्रेड दरकार किंतु स्किल को आमे पछरे छाड़ देउछु आमे केते दक्ष ताकू कम गुरुत्व दिया जाउछि रेदर देन आमे केते मार्क पाइलु ताकू गुरुत्व दिया जाउछि सेइत पै पछरे पड़छु कि आमे निहाती आमे पछरे पड़ जाउछु। आमे एमिति देखिबाकु गले बहुत स्किल आ दक्षता रुचिमूलक जो आमर रुचि भित्तिक कार्यक्रम रहिछि जो गुडा कि ताकू स्किल डिपार्टमेंट रे इंक्लूड करा जाइनि खाली धरंतु आमर भितर लुचि रहितबा मु जेमति काम करछि स्किल डेवलपमेंट रे इंक्लूड अछि आमर स्लाइवर बाउंसर बाउंस पातियार काम किंतु मु करे सॉलिड बाउंसर रे काम तो सेइटा गोटे स्किल्ड इंक्लूडेड नुहे तो से लगे मत आर्टिसन कार्ड भी मिल पारे नी तो एमती मु आज कॉर्पोरेट थ्रू रे तो बहुत पिला को भी ट्रेनिंग दे सारे तो अभी आप रखुंत कि अंतर्भुक्त करा जो बोली आज्ञा मुझा भी चाहूँगी कि एमती खाली मु बाउंस सॉलिड बाउंस कि कहूनी तो बाकी बहुत किसी एमती दक्षता भित्तिक कार्यक्रम रही जोटा कि ओडिशार आम गाँ गहली सहर सबुठ लुचि रही स्किल डिपार्टमेंट जदि आम इनक्लूड करते ता तरफ रु आमर आर्टिसन माने भी कार्ड पाते जेते आमर एग्जीबिशन होची से माने सिटी एग्जीबिशन रे तंका स्टॉल लगे कि किछि लाभवान भी हे परंते। ओके मैडम, वर्तमान स्किल रो परिभाषा बदली गलाणी कारण एआई टेक्नोलॉजी वर्तमान आसी गलाणी तेणु ए संक्रांत रे पिलांकु आहुरी अवगत करवा दरकार जो माने तृणमूल स्तर रहिले सेमानकु नुवा नुवा टेक्नोलॉजी सहित जड़ित करिवार आवश्यकता रहिची सेबल गुटे प्लेटफार्म हबा दरकार मो हिसाब रे एबे एक्चुअली मो माने बहुत इंपोर्टेंट है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सॉफ्ट स्किल सहित हार्ड स्किल इंटीग्रेट करंतु ता सहित गोटे ईडीपी प्रोग्राम जॉइन करंतु ए तीनटा को मिसे की करिले आउ विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो जिनसडा कहिले ईडीपी प्रोग्राम भी बहुत इंपोर्टेंट रहुची एथरे बिकॉज पिला इंडस्ट्री विषय पढ़ी दौंती किंतु तापर जानि पर नथि बिकॉज एबे गोटे सकल्प प्रोजेक्ट गवर्नमेंट रो चलथिला जोथरे मु मेंटरशिप करूथिलि 200 पिला रु मात्र 10टा पिला बाहरिले जो माने ईडीपी प्रोग्राम रे माने सामिल हेले तो ए सब जिनस को इंटीग्रेट करिले मु भाबुची गोटे बहुत भलो माने गोटे एंड प्रोडक्ट बाहरिबो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रो। ओके, आमे किछि क्वेश्चन ने आमर जो मेंटोर बा छात्र छात्री माने अछंती किछि प्रश्न से मान कर नबा। जय जगन्नाथ, मु आदर्श नायक बीटेक सीएससी रु मु मानवर मंत्री थ्रू जो प्रश्न पचार चाहूँगी जमी आमर जी स्पोर्ट्स उपर अवेयरनेस होती स्किल उपर अवेयरनेस करने गवर्नमेंट कौन करवा चाहिए? ओके,
देखो आम स्किल अवेयरनेस करने आम स्टार्टअप ओडिशा करे वर्तमान आम बजेट करुचे प्रत्येक कॉलेज स्तर में अवेयरनेस करुचे जे आम पाने गोटे कथा मुझे कह आम पाने जो मैंने स्टूडेंट अच्छा युवक मैंने अच्छा युवत मैंने इंटरप्रेनर होगा चेष्टा करूँ सबूत से मैंने कौन करवल चाकरी पचरे ये पचरे दौड़ापाई भल पाती आम जो नुआ इंटरप्रेनर हवा नुआ प्रडक्ट आम बाहर करवा निश्चित भाव सरकार आपण मानक प्रोत्साहन देवार व्यवस्था करुचंती मैडम ये जो स्किल कथा कहले आम देखु ग्रामांचल बड़ी पापड़ आचार सीमित रही जाए ना आगे आहरी बढ़िया दरकार ना ना से आउ ना ही से बहुत आगो को बढ़ीगला बड़ी पापड़ से बनाऊ से भी गोटे गर्वर कथा कि करके भी तो बहुत जन लाइवलीहुड पाई तो ता छड़ा भी एबे बहुत आगो को आम आसीगल आम एक्चुअली ग्रासरूट लेवल काम करुचु आम जापु कि आम बहुत आगो को आसचु बट ये आम एंड होनी जानी बहुत आगो को जबार अच्छी ता बहुत आगो को आम आसीगलु ओके अदर सेक्टर जो अच्छा ता सहित गोटे इंटर्नशिप मॉडल गोटे तैयारी हो जाओ जो थे स्कूल कॉलेज पिला गोटे प्रोत्साहन मिले से जा निजे देखिए गोटे थियोटिकाल एजुकेशन पाइले प्लस प्राक्टिकाली से कम करार सुजोग मिले दुईटे जाक साममल्टेनियसली हवा दरकार तेने आउ गोटे जिनस आम जो मैंने अलरेडी मुझे कहली जो मैंने कौलिक वृत्तिर अच्छा एम एस एम अच्छा से स्ट्रेंथन हे से अधिक लोक सुजोग देते पाखे कम करने जेहतु मुझ तीन थर इंटरनेशनल प्लाटफर्म अच्छी मुझे जोटा देखी चाइना साउथ कोरिया से कंट्री मानक द स्किल कंपिटेटर्स आर बिंग ट्रीटेड आज सेलिब्रिटी कंट्री सेलिब्रिटी टाइप सेलिब्रेशन कराए से भी टाइप ट्रीट करा जाए एठी आउ तांकर प्रति लेवल रो भी प्राइज मनी किछि थाए किछि रा सेलिब्रेशन थाए आम स्पोर्ट्स रे आम जातीय स्तर रे जो मन जितिले किंबा राज्य स्तर जितिले आम तांकर पई किछिटा जॉब मार्केट हो बा कैश प्राइज किछि रखु जाए किंतु एठी आम स्किल कंपटीशन रे जो मन इंटरनेशनल मेडल पाउचन आम तांको केवल सेलिब्रेट करु छै ओके सोस्तिका संक्षिप्त उत्तर नै जिबा जे आमे सेभळी गोटे सुजोग ब निकट भविष्य रे विज्ञापन रे सीमित रहि जाउ छी कि सरकारकर सब प्रचेष्टा कार्यक्रम किंतु जो कथा कहते जे मिलूनी सुजोग जमती सेलिब्रिटी बाहर देश में कराशार बा देश से किसी ना निश्चित भाव में वर्तमान आम सुजोग या समस्ते मिलमिशी आपण मानकर भूमिका रही आपण मैंने आम सहित आसतु प्लाटफर्म को आसतु आलोचना करवा कौन कले आम ओडिशा आग को विकसित हो पार और ये दक्षता विकास क्षेत्र में आम आग को जापर ताकू आग को लक्ष्य कर आम समस्ते मिलमिशी गोटे रोड मैप या पूर्व समय 2016 पाखर कह गोटे कथ कह रहे कनक न्यूज पाई जो से कहे सेलिब्रेट कर एंटरप्रेन्योर्स मानक सक्सेस इमें सार्क टैंक सेलिब्रेशन होमती कनक न्यूज गोटे सार्क टैंक भाई ओडिया प्रोग्राम करूँ ये जो पाने स्किल्ड अच्छा एंटरप्रेन्योर्स डाकिक नाऊ जो कि पोटेनसीआल इनभेस्टर मैं जज करके आसतु से एंजेल इनभेस्टर हिसाब से इनभेस्ट करूँ से भाई जी प्रोग्राम आपने करेंगे यहाँ आपंक दायित्व दिगला करेंगे तेल निश्चय भाव में सेलिब्रेसन हम और अधिक रू अधिक पाने गणमाध्यम दिग्वे दायित्व रही पिला आग को बढ़े स्किल बढ़े देश आग को बढ़ राज्य ज्योति प्रकाश स्किल्ड इन ओडिशा कथा आम कहे कुशली कारीगर कुशली श्रमिक दक्षता विकास सहित तालीम नहीं आग को आसती ओडिशा माटीर पिला कम पाखे माटी देले ताकु सुंदर कारुकार्य परिणत करने से भली कारीगर अच्छा आम पाखे सूता देले आम ताकु हस्तंत शाढ़ी हैंडलूम शाढ़ी बुणापी आम पाखे से कला कौशल अच्छी केवल सठिक प्लाटफर्म सठिक सुजोग आवश्यकता जहाँ आज मंच में आम आलोचना कलु जे दक्षता दौड़ रे सुजोग संभावना ओडिशा माटी रे भारत माटी रे कौन रही कौन आग को रही पार निश्चित भाव में स्वस्तिका दक्षतार कौन से लिमिट ना नुआ नुआ टेक्नोलोजी आसब लोक आग को जब ओडिशा दक्षता हेले ओडिशार विकास हम बहुत समय धरी आम आलोचना कले अनेक एक्सपर्ट मानक मतामत ने कार्यक्रम जो मैंने सामिल हेले मंत्री सहित गोकुलानंद मल्लिक कथा कहतु तपन सार अनुराधा मैडम समस्ते जो मैंने एक्सपर्ट मैडम सहित देवाशीष सर अच्छा समस्त छात्र छात्री मेन्टर मान गोटे जोरदार करताली हो जाओ।